सभी को नमस्कार हमारे साप्ताहिक रविवार के सत्र पर। तो जैसे आज एक नए साधक हैं हमारे साथ उज्ज्वला जी, तो एक बार मैं हमारी साधना का जो तरीका है वो एक बार जल्दी से दोहरा दूंगा। इसके बाद पिछले सत्र में हमने चर्चा करी थी जो 7 अवेकनिंग फैक्टर्स या 7 जो बोधियांग कहते हैं, कि क्या फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मन को और गहरा जाने में मदद करते हैं, और जो अड़चने हैं, जो बाधाएं हैं हमारी, जो 5 बाधाएं हमने पहले जिसकी चर्चा करी है, तो उनके आने से कैसे हम डील कर सकते हैं और उनके उत्पन्न होने की जो क्षमता है, जो संभावना है, वो कैसे इन बोधियांगों से, ये एनलाइटनमेंट फैक्टर्स या अवेकनिंग फैक्टर्स जो कहते हैं, उनसे कैसे ये उत्पन्न होने की संभावना भी कम हो जाती है जो बाधाएं हैं, इसकी चर्चा करेंगे। पहले मैं एक बार साधना करने का तरीका दोहरा दूं। तो जो उज्ज्वला जी, खासकर आपके लिए है, ये एक मुस्कुराने वाली साधना है। इसमें न केवल हम ध्यान करते समय मुस्कुराते हैं, लेकिन बाकी दिन में हमारे व्यावहारिक जीवन में भी मुस्कुराते हैं। आसन के तौर से एक ही सूचना है कि आप फ्लोर पे बैठें, जमीन या गद्दे पर बैठें, या चेयर पर बैठें, सब एक बराबर है। आपको बस एक चीज जरूरी है कि जो आपका आसन हो वो आरामदायक हो और आपकी पीठ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो, ताकि आपको उससे ना कष्ट हो ज्यादा, ना झुकने के वजह से नींद में जाने की जो एक संभावना होती है वो भी कम रहे। आसन के तौर में ये है, मुस्कुराना भी आपके एक आसन का हिस्सा आप मान सकते हैं। अब इसके आगे मैं साधना के आलंबन के बारे में बताऊंगा, कैसे हम उसको उत्पन्न करते हैं। जैसे हम बैठते हैं, सबसे पहले एक अपने जीवन में घटी कोई एक सुखद घटना, एक सुखद प्रसंग हम याद करते हैं जब हमारा मन बिल्कुल सुखी, शांत और संतुष्ट था। कई लोगों के लिए जैसे अपने बच्चों के साथ खेलने की यादें जो होती हैं वो काफी बढ़िया रहती हैं इस हिसाब से, या फिर अपने जानवरों के साथ, या मित्रों के साथ, या अपने घर के बड़ों के साथ जो बिताए हुए अच्छे पल होते हैं। तो ऐसे कोई एक एक आध एक दो आप घटना याद कर सकते हैं जो सुखद हो आपके अतीत में। उस घटना के दौरान जो आपके हृदय में जो भाव उत्पन्न हुआ था, वो भाव आप याद करें और उस भाव को अपने हृदय के केंद्र में उत्पन्न करें। ये जो भाव है, आप इसी भाव की कामना करेंगे अपने आप के लिए। पहले 10 मिनट आप ये कामना करेंगे कि मैं जैसे उस घटना, उस प्रसंग के समय जैसे सुखी थी, जैसे शांत थी और संतुष्ट थी, मैं वैसे ही हमेशा संतुष्ट, सुखी और शांत रहूं। ये कामना आप अपने लिए करेंगे, अपने आप केवल इतना अपने मन में उच्चारण, ये आपको बोलकर उच्चारण नहीं करना, आपके मन में उच्चारण कर सकते हैं कि मैं सुखी रहूं, मैं शांत रहूं, मैं संतुष्ट रहूं। इस तरीके से जो भी उस भाव को आप अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं, आप अपने आप को भेज रहे हैं वो भाव, और इसको मंत्र की तरह उच्चारण भी नहीं करना है। बीच बीच में उस भाव को थोड़ा सहारा देने के लिए बस उसको आप ये मन में उच्चारण करेंगे। ये करके 10 मिनट बाद आप यही जो भाव है आप अपने एक आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे। आध्यात्मिक मित्र को चुनने का जो तरीका है, वो आध्यात्मिक मित्र आपका जीवित होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए जिसके और आपको बहुत आराम से आदर हो, जिसकी भलाई सोचना आपके लिए आसान हो, और वो भी ऐसे व्यक्ति हों जो आपकी भलाई सोचने में कभी झिझक नहीं करते। ऐसे कोई व्यक्ति हो जो आपके परिवार में के सदस्य ना हो, क्योंकि परिवार के सदस्य के साथ जो हमारा रिश्ता होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो और चीज़ों में हमारा ध्यान जा सकता है। तो ऐसे आपके परिवार के सदस्य ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति ना हो जिसके और आपको शारीरिक आकर्षण होने की कोई संभावना हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति आप चुनेंगे आध्यात्मिक मित्र। और ये जो भाव था, जो मंगल मैत्री का भाव है, जो आप अपने आप को भेज रहे थे अभी तक पहले 10 मिनट साधना की, वही भाव आप अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना शुरू करेंगे कि आप खुश रहें, आप सुखी रहें, आप संतुष्ट रहें, आप शांति शांता में रहें।
इस तरीके से आप ये भाव अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजेंगे। जैसे ही हम बैठते हैं, अपने आप को भेजते हैं या अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि थोड़ी देर में हमारा ध्यान जो है किसी विचार पर भटक जाएगा। या तो हमारे जीवन में से कोई भाव आएगा, या कोई शारीरिक कोई वेदना उत्पन्न होगी, जैसे कि खुजली हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है, तो ऐसे कुछ उत्पन्न हो सकता है, या कोई शोर आपको सुनाई दे। इस तरीके से अलग अलग विचार जो हैं वो आपके मन को भटकाएंगे। जैसे ही ये करते हैं, तो अब बहुत जो जरूरी है, जो मैंने कहा कि इस साधना का करने का थोड़ा तरीका अलग है, और ये 6 कदम मैं बताऊंगा आपको, और ये 6 कदम करना बहुत आवश्यक है इसी ऑर्डर में इस साधना के लिए। तो पहला कदम है कि जैसे में हमारा मन हमारी साधना के आलंबन से उठकर किसी और चीज, अन्य विचार में फंस गया हो, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि एक विचार उत्पन्न हुआ है जिसपे मेरा मन भटक गया। दूसरा कदम है कि हम उस विचार को वहीं रहने देंगे, यानी ये निर्णय करेंगे कि इसको अपने ध्यान का पोषण और नहीं देंगे। जब तक हम ध्यान का पोषण देते हैं, तब तक वो विचार हमारे ध्यान को पकड़ा रहेगा, तो ये निर्णय करेंगे। ये दूसरा कदम है, जिसको अंग्रेजी में हम रिलीज स्टेप कहते हैं। तीसरा कदम है कि जैसे ही हमारा मन किसी भी विचार पर भटकता है, तो हमारे मन में एक तनाव खिंचाव उत्पन्न होता है। ये हर बार होगा, धीरे धीरे आप इससे परिचित होंगे, इसको पहचानना सीखेंगे। खासकर ये हमारे सर के आसपास ये तनाव उत्पन्न होता है, कई बार कंधों में, हाथ में, पीठ में भी इस तनाव का अनुभव होता है। इस तनाव को हम ढीला करेंगे, शांत करेंगे, इसे रिलैक्स स्टेप कहते हैं। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो तनाव है, ये उस तृष्णा का लक्षण है जिसके बलबूते हमारा ध्यान उस एक जो भटकाने वाला विचार है उससे जुड़कर अटका हुआ है। तो ये जैसे हम ये तनाव खिंचाव कम करते हैं, तो उसके नीचे जो ये तृष्णा का बलबूता है वो ढीला हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है हमारे वापस हमारे साधना के आलंबन के पर आने के पहले। ये तीसरा कदम हुआ, रिलैक्स। चौथा कदम है री स्माइल। जैसे मैंने कहा था, ये मुस्कुराने वाली साधना है। मुस्कुराने का भी यही एक योगदान रहता है कि आपका मन भी उत्कृष्ट होता है, और ये जो तृष्णा की मैं चर्चा कर रहा था वो, और उसको ढीला करने में, उसको कम करने में हमें मदद करता है। ये हमारा चौथा कदम है। पांचवा कदम है रिटर्न। इसका अर्थ है कि हम वापस जो मंगल मैत्री अपने आप को भेज रहे थे, अपने आध्यात्मिक पितर को भेज रहे थे, वो हम भेजना शुरू करेंगे। आखिरी कदम जो है रिपीट है। इसका अर्थ ये है कि हमने ये जो प्रक्रिया है ये बरकरार रखनी है, कि अपने अपने आप को या अपने आध्यात्मिक मित्र को आप मंगल मैत्री की भावना भेज रहे हैं, और जब भी हमारा मन भटके तो यही कदमों का इस्तेमाल करके हम वापस अपनी साधना के आलंबन पर लेकर आएंगे। तो यही हमारा अभ्यास होगा आधे घंटे का। 10 मिनट पहले आप अपने आप को मंगल मैत्री की भावना भेजेंगे, वो प्रसंग याद कर कर जब आप अपने अतीत में आप सुखी, संतुष्ट और शांत रहे हों, वो भाव अपने हृदय के केंद्र में उत्पन्न करेंगे, अपने आप को भेजेंगे। मन जब भी भटकेगा तो 6 कदमों का इस्तेमाल कर कर वापस हम अपने ध्यान को लेकर आएंगे अपने साधना के आलंबन पर। इसी तरीके से 10 मिनट बाद हम अपने आध्यात्मिक मित्र को भेजना शुरू करेंगे, वही मंगल मैत्री की भावना। हम कामना करेंगे कि आप खुश रहें, सुखद रहें, शांतपूर्वक रहें, संतुष्ट रहें, ये उनके लिए भी बोलेंगे। इसको मंत्र की तरह उच्चारण नहीं करना है। जैसे ही हमारा मन भटके तो 6 कदमों का इस्तेमाल करना है, यानी पहले पहचानना, फिर ये निर्णय लेना कि अपने ध्यान को उस पर बनाए नहीं रखेंगे, फिर जो मन में या बदन में जो तनाव खिंचाव पैदा हुआ है उसको ढीला और या शांत करना, फिर दोबारा अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आना, जो कि जैसे मैंने कहा कि आप ऐसे समझिए कि लगभग हमारे आसन का एक हिस्सा है ये। पांचवा कदम है कि वापस अपने ध्यान को अपनी साधना के आलंबन पर लाना, मंगल मैत्री भेजने पर। और छठा कदम है कि इसे बरकरार रखना है, और जब भी हमारा मन दोबारा भटके तो यही कदमों के अनुसार हम वापस अपने ध्यान को लेकर आएंगे। तो ये हमारी साधना करने का तरीका है, और किसी को
एक जो भगवान बुद्ध भी जो सिखाते थे, एक परंपरा होती है ओरल ट्रेडिशन, जो कि शिष्यों को बता बता कर सिखाने वाली चीज होती है। तो मैंने खुद ही अनुभव किया है कि जितनी बार कोई चीज सुनो, बनते हुए मलयालम सी के सूत्र, कई बार मैं जो सूत्र की रीडिंग करते हैं वो कई बार मैं सुनता हूँ, क्योंकि हर बार एक हमारे मन के एक अलग हिस्से में कोई अलग चीज बैठ जाती है। और जैसे हम अभ्यास भी करते रहते हैं, हमारी समझ इस साधना की भी बढ़ती रहती है, तो कई बार अलग चीजें हमें समझ में आने लगती हैं, जो जो हमने इनसाइट्स देखे, जो विपश्यना हुई है हमारी साधना के दौरान, उससे भी हमारी जो भले ही वो इंस्ट्रक्शंस हो, ये साधना करने का तरीका हो, या और कोई कॉन्सेप्ट्स हो जो कि हम चर्चा करते हैं, उसको समझने की हमारी हमारी समझ और बढ़ जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी लोग जो हैं निराश ना हो कि कुछ दोहराया जा रहा है इंस्ट्रक्शंस, आगे भी कई चीजें दोहराई जाएंगी, लेकिन हर बार इसको एक ताजा मन से सुनेंगे तो कहीं एक मन के हिस्से में और थोड़ी स्पष्टता से ये बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस हुए। इसके बाद पिछले सत्र में हमने हमारी चर्चा जो 8 ध्यान समापत्ति है, शमत विपश्यना में जैसे हमारा मन स्थिर होते रहता है, 8 अलग स्टेजेस से गुजरता है, 8 अलग समाधियों से गुजरता है, जिसे ध्यान समापत्ति कहते हैं। पहले 4 जो रूप ध्यान होते हैं, जिसमें हमारे बदन का हमें काफी एहसास होता है, और आखिरी 4 जो अरूप ध्यान कहते हैं, जिसमें हमें अपने शरीर का और शरीर पे होने वाले स्पर्शों का काफी कम एहसास होता है, और हमारा मन ज्यादातर हमारे जो मानसिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, या उनसे हमें उनके साथ जब भी मन भटकता है तो उससे वापस आने 6 कदमों का इस्तेमाल करके वापस आने का सिलसिला चलता है। तो ये 6 अरूप ध्यान हैं, और जैसे मैंने बताया था, ये आखिरी जो 2 ध्यान हैं, जो 7वां ध्यान है बेस ऑफ नथिंगनेस या शून्य आयतन जिसे कहते हैं, या 8वां जो ध्यान है बेस ऑफ नाइदर परसेप्शन नॉर नॉन परसेप्शन, या जिसे नैव संज्ञा न संज्ञायतन कहते हैं, ये जो आखिरी स्तर होते हैं, इसमें हमारा मन बहुत ही सूक्ष्म हो जाता है। हमारे 7वें ध्यान समापति में हमारे जो ब्रह्म विहार होता है, हमारी जो समय समता उपेक्षा या इक्वानिमिटी जिसे कहते हैं, उसका जो भाव होता है वो भी लगभग खत्म हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, और इस समय हम अपने शांत मन को अपनी साधना का आलंबन बना लेते हैं। तो 7वें और 8वें ध्यान में ये जरूरी है, लेकिन बाकी हमारी जो पूरा अभ्यास है, हमारी जो पूरी साधना है, इसमें भी ये बहुत जरूरी है, ये जो 7 बोधियांग या 7 अवेकनिंग फैक्टर्स जिनकी मैं बात करूंगा, इसको 2 हिस्से में हम बांट सकते हैं, और बीच में एक हम तो पहला जो बोधियांग है, जो अवेकनिंग फैक्टर है, ये है स्मृति। स्मृति के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। स्मृति को अंग्रेजी में कई बार ट्रांसलेट करते हैं माइंडफुलनेस, और कई लोग इसको आज की डेट पे कहते हैं कि आप प्रेजेंट मोमेंट के बारे में अवेयर हैं, कि आपका मन कहाँ है। लेकिन जैसे हमने बात करी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है धीरे धीरे ये परिचित होना कि हमारी मन की प्रक्रिया होती कैसे है, हमारा ध्यान एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कैसे भटकता है। ऐसा नहीं होता कि वो ध्यान एक वस्तु पर था और अगले क्षण ही दूसरे वस्तु पर था। ये हमारे व्यावहारिक जीवन में, लौकिक जीवन में हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा ध्यान कहीं और था और अब कहीं भटक कर दूसरी जगह पहुंच गया। लेकिन जो हम ध्यान में गहरे जाते हैं तो हमें धीरे धीरे समझ में आता है कि ये एक इंस्टेंट प्रक्रिया नहीं है कि ये तुरंत इधर से उधर चला गया, ये भटकने की पूरी प्रक्रिया है कि हमारे मन में किसी एक बाहरी ध्वनि या प्रकाश, या हमारे मन के अंदर किसी विचार का स्पर्श होता है, और वहां से हम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसमें तृष्णा उत्पन्न होती है कि ये स्पर्श मुझे, स्पर्श से जो वेदना उठी है, जो फीलिंग उठा है, ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, ये मेरे जीवन में, ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, मैं अपने इसको निजी करने लगता हूँ कि ये
मुझे क्यों पसंद है या क्यों पसंद नहीं है, मेरे जीवन में क्या महत्व है इसका, इसके बारे में मेरा मानसिक विचार क्या है। वहां से हम धीरे धीरे एक भव होता है यानी एक हैबिचुअल टेंडेंसीज जो होती हैं कि जो आदतें हैं हमारी, कि ऐसा कुछ स्पर्श हो, ऐसी कोई वेदना हो तो हर बार हम एक एक ही तरीके से इससे पेश आते हैं, उसी एक नहीं तो कुछ गिने चुने तीन चार तरीकों से पेश आते हैं, उन्हीं तीन चार तरीकों में हम दोबारा आदतीय तौर से पेश आते हैं। इस समय हमें आमतौर से ऐसा होता है कि हमें इस समय समझ में आने लगता है कि अच्छा हमारा मन किसी विचार में इस तरीके से जुड़ चुका है, लेकिन जैसे हम ध्यान करते हैं हम धीरे धीरे समझ सकते हैं कि ये पूरी एक प्रक्रिया है, ऐसे नहीं कि हमारा ध्यान तुरंत एक जगह से या एक वस्तु से दूसरी जगह या वस्तु पर पहुंच गया। इस प्रक्रिया को जैसे हम समझते हैं तो ये भी समझना शुरू करते हैं कि ये जो एक हमारे वातावरण में कोई एक जो स्पर्श हुआ था उसको कैसे हमने निजी बना लिया, अपनी खुशी और प्रसन्नता या परेशानी को उसके साथ जोड़ लिया और कैसे हम उससे भावुक और उत्तेजित हो जाते हैं। तो स्मृति जो है हमारा जो पहला बोध्यांग है, स्मृति कहती है, इसका डेफिनेशन बंते विमल रमसी ने दिया है। स्मृति का अर्थ वैसे साधारण तरीके से होता है याद रखना या याद करना, पर लेकिन हम क्या याद रख रहे हैं, हम याद रख रहे हैं कि हम मन के भटकाव से परिचित होंगे, मन कैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, वो क्या प्रक्रिया है, वो भटकाव कैसे होता है, इस चीज पर हम नजर रखेंगे, ध्यान रखेंगे, इस चीज से परिचित होंगे। तो ये चीज सारे वक्त हमें याद रखना है, इसे स्मृति कहते हैं या माइंडफुलनेस कहते हैं। कि ऐसा नहीं कि मेरा मन एक जगह था फिर दूसरी जगह था फिर तीसरी जगह था, धीरे धीरे हम परिचित होना चाहते हैं कि कैसे कैसे हमारे मन में एक तनाव खिंचाव पैदा हुआ, एक तृष्णा का जो लक्षण है, और उसके आधार पर कैसे एक हमारे मन में या बदन में हुई एक स्पर्श को हम निजी बनाते चलते हैं और उससे अपनी खुशी और परेशानी हम जोड़ लेते हैं, सुख और दुख उससे जोड़ लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। ये प्रक्रिया हमें समझनी है, इसे इस मन की जो प्रक्रिया है इसको इस पर अपनी नजर बनाए रखना, इसे स्मृति कहते हैं। ये हमारा एक सेंट्रल अवेकनिंग फैक्टर है। स्मृति होगी तभी हम बाकी चीजों को भी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। यहाँ पे पहले जैसे हमने एक बार चर्चा करी थी कि हमारे विचार जो होते हैं पांच तरीके के होते हैं। एक ऐसा होता है जो लोभ जगाता है हमारे अंदर, जो हमारी बाधाएं आती हैं, जो हमारे मन को आकर्षित कर जाती हैं। एक लोभ जगाता है, एक द्वेष या घृणा जगाता है, एक हमारे मन में बेचैनी जगाता है, एक हमारे मन में आलस जगाता है और एक हमारे मन में संशय जगाता है। ये पांच तरीके के अलग अलग विचार होते हैं जो हमारे साधना में बाधा बनकर आते हैं। इनको सिर्फ बाधा नहीं, एक शिष्य की तरह भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि इनसे हमें मन की प्रक्रिया के बारे में सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये जितने कम उत्पन्न होंगे उतना हमारा मन ज्यादा स्थिर होगा, हमें और मन की गहराई में जाने का मौका मिलेगा। खासकर ये जो बेचैनी है और ये जो आलस है, ये आपके जैसे आप गहरा जाते रहते हैं अपने ध्यान में, यह सबसे ज्यादा अड़चने आपकी बेचैनी और आलस से जुड़कर आती हैं। बेचैनी को कम करने के लिए हमारे तीन बोध्यांग हैं। बेचैनी अगर हमें पता लगती है कि ज्यादा बेचैन हो रहा है हमारा मन, तो तीन बोध्यांग या तीन अवेकनिंग फैक्टर्स का हम यूज करेंगे। पहला है पसादी, या जो हमारा रिलैक्स स्टेप कहते हैं या ट्रैंक्विलिटी कहते हैं, अर्थात हमारे मन में जो खिंचाव है उसको धीरे धीरे कम करना, उसको शांत करना। इससे हमारे मन में एक कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, शांति आती है। ये एक बोध्यांग है। फिर जैसे मैंने बोला कि स्मृति जो है, माइंडफुलनेस जो हमारा सेंट्रल अवेकनिंग फैक्टर है, क्योंकि हमारी स्मृति नहीं होगी तो हमें ये जो खिंचाव तनाव जो पैदा हो रही है हमारे मन में उससे भी हम परिचित हो नहीं पाएंगे और उसको हम शांत नहीं कर पाएंगे। तो एक है ये पसदी। दूसरा जो है बेचैनी से पेश आने के लिए हमारा है समाधि।
समाधि का अर्थ है, जैसे मिलिंद जी ने भी पहले एक बार पूछा था, एक कलेक्टेडनेस कह सकते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड कह सकते हैं, कई लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं, पर कॉन्सेंट्रेशन से एक कई लोगों को एक गलत इसका गलत समझ में आता है कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब बहुत जोर लगा के एक चीज पर ध्यान लगना, ध्यान देना, ऐसे कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो कलेक्टेडनेस है या यूनिफिकेशन है, यहाँ पे बस हम ऐसा करते हैं कि हमारा ध्यान है और हमारे जो हमारी कॉन्शियसनेस है या जो हमारी एक पूरा जो 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 हमें चीजें समझ में आ रही है, जो हमारा विज्ञान है, वो सब एक साथ जुड़े हुए हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हम एक चीज पर ध्यान रखकर जबरदस्ती हम बाकी विचारों को, बाकी चीजों को हमारे मन में आने से रोक रहे हैं, लेकिन जो सारी चीजें हैं वो खुद आराम से आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन हमारा हमारा मन उनसे परिचित भी है कि कुछ कुछ हलचल चल रही है मन में, लेकिन फिर भी हमारा मन बहुत आराम से हमारे साधना के आलम्बन सर पर जुड़ा हुआ है। तो इसे कॉन्सेंट्रेशन, कलेक्टेडनेस या समाधि कहते हैं कि हमारा मन बड़े आराम से अपने साधना के आलम्बन पर टिका हुआ है। तीसरा जो बोध्यांग है जो हमें बेचैनी से पेचाने में हेल्प करता है, वो है समता या इक्वानिमिटी। यानी कोई भी हलचल हो, कोई चीज हो जो कि आपको परेशान करे कि भाई क्यों मेरे मन में ये चीज आ रही है, इन सब से हम एक समता से पेश आएंगे कि हम इससे ना परेशान होंगे ना खुश होंगे कि कुछ हमें देखने को मिला, कि कुछ हलचल हुई मन में और हम उसके पीछे पड़ गए कि अच्छा ये क्या है, इसको देखते हैं कि यहाँ क्या हुआ, उसके पीछे हम ढूंढते हुए चले जाते हैं, जहाँ एक मतलब लोभ उत्पन्न होता है। या दूसरी चीज ये हो सकती है कि हम उससे परेशान हो जाए कि मैं एक शांता में बैठने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर भी मेरे मन में कुछ हलचल हुई है, तो उससे हम नाराज हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें ना रखकर जो भी हलचल आए उससे हम एक समता से पेश आएंगे कि हाँ, एक मन में एक स्पर्श हुआ है, एक वेदना उठी है, एक हमें इसका एहसास हुआ है, बस उतने पे ही सीमित रखें, उससे अपनी सुख दुख को ना जोड़ें। तो ये हमारा जो तीसरा बोध्यांग है जो बेचैनी से पेश आने में मदद करता है, जो इसे समता या उपेक्षा कहते हैं, उपेक्षा कहते हैं संस्कृत और पाली में, हिंदी में समता कहते हैं और अंग्रेजी में इक्वानिमिटी कहते हैं। ये तीनों चीज जब हम बेचैन होने लगते हैं अपनी साधना में, तो इन चीजों को अपनी साधना में लाने से वो बैलेंस होने लगता है। और ये सब ये समझने के लिए कि हमारे साधना में हो क्या रहा है, उसके लिए हमारी स्मृति का जागृत होना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ हमारे तराजू के है, बेचैनी के दूसरी तरफ है आलस, कि हमारे मन में आलस आ जाता है, मन वैसे ही शांत हो गया है, वैसे ही ज्यादातर लोगों को आजकल नींद की कमी हो जाती है, टीवी मोबाइल में इतने हमारे आकर्षण रहते हैं, नींद सबकी पूरी हो नहीं पाती है, कई बार मन कहता है कि चलो आराम करते हैं, बड़ा बड़ी शांति हो रखी है। तो ये जो है इसमें फिर वही दिक्कत आती है कि जब हमारा मन आलस्यमय हो जाता है तो मन के जो हलन चलन है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको पहचानने में दिक्कत होती है। इसलिए हमारे मन में एक दिलचस्पी और एक उत्सुकता होना जरूरी है। इसके लिए हमारे तीन बोध्यांग हैं। एक इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, धम्म विचार कहते हैं इसे, इसका अर्थ है कि हमारे अंदर एक दिलचस्पी होना कि हमारे मन की प्रक्रिया के बारे में जानने की, कि भाई आखिर हो क्या रहा है मेरे मन में, जो मेरा ध्यान इधर से उधर भटकता है, जो मैं चीजों को निजी मानने लगता हूँ, जो मैं कई ऐसे बाहरी साधारण चीजों से मैं इतना भावुक उत्तेजित हो जाता हूँ। ये इसका जो मूल है, ये जानने की जो एक का उत्साह है या दिलचस्पी है, इसे एक इन्वेस्टिगेशन फैक्टर कहते हैं, कि हम समझना चाहते हैं कि हमारी मन की प्रक्रिया होती कैसी। ये जब हम फैक्टर ये जगाते हैं तो ये भी हमारे आलस्यमय मन से पेश आने में हेल्प करता है। दूसरा है एनर्जी या वीर्य जिसे कहते हैं, कि एक इसमें एक थोड़ी इसको डिटर्मिनेशन भी कह सकते हैं, कि हमारे मन में एक थोड़ा निश्चय है कि हम साधना के लिए बैठे हैं और इसमें ना हमने
अगर हमारे मन में ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, हमारा जो एक इमोशनल ड्रामा है जो चलते रहता है वो अगर नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हम बोर हो जाएंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पे तो मसाला नहीं। तो उस चीज के लिए एक एनर्जी, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होती है कि चाहे कितनी भी शांति हो, हम अपना उत्साह बना के रखेंगे और हमारे मन के बारे में सीखेंगे। तीसरा जो है ये पीति है या जॉय जिसे कहते हैं, ये भी एक प्रसन्नता जो है जो आप लेकर आएंगे अपनी साधना में। और कई लोग सोचते हैं, जैसे हम मुस्कुराने की भी बात करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि नहीं, ये तो साधना करना, मेडिटेशन तो बहुत सीरियस बिजनेस है, इसमें हम कैसे मुस्कुराएं। लेकिन एक अवेकनिंग फैक्टर ही है जॉय या पीति। इसका अर्थ ये है कि जितनी हम खुशी अपने साधना में लेकर आएंगे, तो वैसे हमारे मन ज़्यादा परसेप्टिव हो जाता है, ज़्यादा रिसेप्टिव हो जाता है। एक खुश, जब आप आपका मन जब खुश होता है तो आपको सीखने में भी ज़्यादा आसानी होती है। तो आप अपने पाठशाला में, अपने बचपन में भी याद कर सकते हैं कि अगर आपका मन किसी चीज़ में परेशान है या आपका मन खुश है और आपने उत्साह भी लाया है, एक क्यूरियोसिटी भी लाई है, तो आप जो सीखते हैं वो ज़्यादा सफल रहते हैं उसमें। ये हमारे सात जो बोधियांग हैं ये हुए। स्मृति हमारा एक हम तराजू का केंद्र कह सकते हैं, जो कि हमें परिचित कराता है कि हमारे साधना में कोई बेचैनी हो रही है या कोई आलस्यपन उत्पन्न हो रहा है, और उसके हिसाब से हम जो तीन तीन हमारे बोधियांग हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे मन में बेचैनी आ रही है तो पसद्धी या अपने मन में जो तनाव खिंचाव को रिलैक्स करना है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी यूनिफिकेशन ऑफ माइंड या कंसंट्रेशन या समाधि कर सकते हैं कि जिसमें हम चाह नहीं रहे हैं कि हमारे मन में कुछ अलग से हो, हम अपने आप को अपने मन की प्रक्रिया से अलग नहीं कर रहे हैं कि मैं बैठा हूँ और मैं अपने मन को देख रहा हूँ और यहाँ कुछ होना चाहिए। तो हम एक वो जो बंटवारा है जहाँ आप एक ऑब्जर्वर बन जाते हैं कि एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गैप जो लेकर आते हैं कि मैं अपने मन को देख रहा हूँ, उसकी जगह हम पूरी अपना ध्यान जो है हमारे पूरे मन की जो एक बेस है, एक लैंडस्केप है, उस पर हम रखेंगे समाधि बनाकर। तीसरा जो बोध्यांग है वो है समता, यानी कोई भी हमारे मन में हलचल हो ना, उसके पीछे हम लोभित होकर उसके पीछे दौड़ेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है देखो, ना उससे हम एक परेशान होंगे, एक घृणा वाला एक भाव नहीं लेकर आएंगे कि ये क्यों हम मेरे साधना में आ गए। दूसरी ओर अगर हमारे मन में आलस्यपन आता है, तो तीन और हमारे बोध्यांग हैं। इसमें एक है कि धम्म विचय, यानी एक सत्य को जानने की एक जो क्यूरियोसिटी होती है कि एक हमारे मन में एक उत्साह होता है कि हम सीखना चाहते हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन फैक्टर भी कहते हैं। दूसरा है एनर्जी या वीर, यानी हम इसमें एक थोड़ा निश्चय करते हैं कि हाँ हम अपने साधना में बैठे हैं और हम सीखने के लिए बैठे हैं। और तीसरी चीज जो है एक जॉय या पीति, यानी एक प्रसन्नता का भाव लेकर आते हैं जिससे हमारा उत्साह बने रहता है और हमारे मन की प्रक्रिया को समझने की कुशलता भी बढ़ जाती है। तो ये जो सात बोध्यांग हैं, ये हमारे साधना के किसी भी समय इनका हम इस्तेमाल करें, क्योंकि जो दो बाधाएं हैं, एक बेचैनी की या रेस्टलेसनेस की, और एक जो बाधा है आलस्यपन या स्लॉथ एंड टॉर्पर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये दोनों बाधाएं हमारे साधना में सारे टाइम आते हैं। सबसे ज्यादा यही आते हैं, लोभ घृणा भी आते हैं, संशय भी आते हैं। संशय का विचार ऐसा होता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्या ये सही, क्या साधना करना मेरे लिए सही है नहीं है, इस टाइप के जो विचार हैं ये भी आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को बेचैनी और आलस्य से जुड़े हुए बाधाएं आते हैं। आप गूगल करेंगे 7 एनलाइटनमेंट फैक्टर्स, तो विकिपीडिया या कहीं भी आपको ये मिल जाएंगे। डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल से इस ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। इनका एक बार अभ्यास करेंगे, जब जब आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आप
पूरा सोचेंगे कि चलो अब मैं उत्साह लेके आऊंगा, अपना एनर्जी लेकर आऊंगा, या अब मैं समाधि लेकर आऊंगा। लेकिन जब इन चीजों को अलग अलग हम धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं तो हमारी साधना में धीरे धीरे ये खुद ही हम उसका एक बैलेंस बनाए रखते हैं, उसका एक संतुलन बनाए रखते हैं। जैसे हम पिछली बार भी मैंने कहा था, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो ये नहीं सोचते कि अच्छा अब मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, अब मैं अपना वेट इस तरफ करने जा रहा हूँ, अब मैं ब्रेक दबाने जा रहा हूँ, ऐसा सोचते नहीं। करते करते अभ्यास खुद हम सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारे पास टूल्स वही हैं, हमारे पास ब्रेक है, हमारे पास हैंडल बार है, हमारे पास अपना वजन है, हमारे पास पेडल है, टूल्स हमारे पास वही सीमित है। तो इस साधना में भी जैसे हमारे सिक्स आर्स हमारा टूल है जो 6 कदम है हमें वापस लाने के लिए, और दूसरा एक बड़ा टूल है जो हमारे 7 बोधियांग हैं या अवेकनिंग फैक्टर्स जिसे कहते हैं। सभी को नमस्कार। अब प्रश्नोत्तर आरंभ करेंगे। डॉक्टर मधुसूदन ने चैट पर एक सवाल पूछा है, पहले मैं ये पढ़ लूंगा उसके बाद इसका जवाब दूंगा। भगवान बुद्ध ने 5 स्कंधों के उपादान को दुख कहा है, रूप अर्थात फॉर्म, वेदना अर्थात फीलिंग, संज्ञा अर्थात परसेप्शन, संस्कार अर्थात फॉर्मेशंस, और विज्ञान अर्थात कॉन्शियसनेस। ये कहाँ होते हैं और इनका कार्य क्या है? ये सवाल है, डॉक्टर मधुसूदन जी ने शेयर किया है। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, ये स्कंदों का मतलब क्या होता है? हाँ बिल्कुल, वही सवाल मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर मधुसूदन ने चैट पे पेस्ट किया था जी। हाँ जी, तो ये जो 5 स्कंद हैं या पंच उपादान स्कंद कहते हैं कि जो हमारे स्कंद जुड़ते हैं कृष्णा और उपादान से, और जिससे हमारे अनुभव, हमारे एक मानव अनुभव, एक मानसिक विचार उत्पन्न होते हैं। राजीव जी सॉरी, बट स्कंद का मतलब क्या होता है? स्कंद का मतलब होता है कलेक्शन बोल सकते हैं, हीप बोल सकते हैं, एग्रीगेट बोल सकते हैं इसको, कि एक यानी केवल एक एटॉमिक चीज नहीं है, कई चीजें उसमें, एक क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं इसको। तो एग्रीगेट है कि जैसे एक स्कूल में एक सेक्शन है तो वो एक एग्रीगेट है कुछ लोगों का, या स्कूल एक स्कूल है वो एक एग्रीगेट है। तो कोई एक वस्तु नहीं है, एक प्रकार की वस्तु है, वस्तु भी नहीं कहूंगा, एक प्रकार की चीज है। जैसे मैं अब इनके बारे में थोड़ी टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा शायद और स्पष्ट हो जाएगा। हमारे मानव अनुभव के उत्पन्न होने के लिए ये 5 जरूरी उसके अंग या इंग्रेडिएंट्स हम बोल सकते हैं, क्या 5 चीजें हैं जो कि साथ में आते हैं, और अगर इन 5 चीजों के साथ आने पर इसमें हम तृष्णा और उपादान यानी क्रेविंग और क्लिंगिंग एक निजी बनाने की प्रक्रिया अगर हम जोड़ देते हैं तो उससे हमारा व्यक्तित्व उत्पन्न होता है, हमारी पर्सनैलिटी उत्पन्न होती है, हमारा एक जो सेल्फ बिलीफ इन अ सेल्फ होता है वो उससे उत्पन्न होता है, और हमारे जो एक जीवन का जो अनुभव होता है वो वहीं से उत्पन्न होना शुरू होता है। तो क्या ये 5 स्कंद हैं? पहला है रूप या फॉर्म, इसको एक हम मटेरियल रेलम कह सकते हैं, जो चीज छुई सुनी जा सकती है, जिन चीजों को हम अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, ये सारी चीजें, या अंग्रेजी में जिसको मैटर कहते हैं, इस मटेरियल फॉर्म कहते हैं, इसको रूप कहते हैं, जो चीज हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सारी जो चीजें हैं, भले वो हमारा बदन हो या कोई हमारा मेज हो, हमारा लैपटॉप हो, जो सारी चीजें हैं दुनिया में जिनसे हमारा, जैसे हमने पहले बात करी थी, स्पर्श
उस चीज से उत्पन्न होता है, एक जो बाहरी दुनिया से कोई ध्वनि प्रकाश इस टाइप की चीज आती है, वो जिसका मूल जो होता है एक रूप के रेल में होता है, एक मैटर के रेल में होता है, और हमारे एक अंग जो होता है, हमारे बदन का जो अंग होता है जैसे कान नाक आंख वगैरह, ये जुड़ते हैं, और साथ में हमारे सुनने की देखने की क्षमता या शक्ति जुड़ती है, ये तीनों चीजें होती हैं, तो स्पर्श होते हैं। तो बाहरी दुनिया की ये जो सारी चीजें हैं और जो हमारा बदन है जिसे भी छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, ये सब एक रूप के दायरे में आते हैं। तो एक हमारा जो स्कंध है, एक हमारा जो आधार है जिससे हमारे एक आत्मान या एक सेल्फ का जिससे अनुभव होता है, वो एक जो उसका आधार है स्कंध, उसे रूप कहते हैं। दूसरा जो स्कंध है, दूसरा जो आधार है इस प्रक्रिया के होने का और एक आत्मान और एक व्यक्तित्व के अनुभव होने का, वो है वेदना। वेदना का अर्थ है फीलिंग। ये वो फीलिंग नहीं जैसे हम इमोशंस को भी कई बार फीलिंग कहते हैं अंग्रेजी में। वेदना का केवल ये मतलब है कि जैसे हमारा एक स्पर्श से एक सिग्नल निकलता है कि कुछ हमें सुनाई पड़ा है या दिखा पड़ा है, और तुरंत वो इस तरीके की फीलिंग होती है कि ये मुझे पसंद है नहीं पसंद है। ये एक सुखद वेदना हो सकती है, सुखद प्लेजेंट फीलिंग हो सकती है, या दुखद परेशान करने वाली फीलिंग हो सकती है, उस टाइप की वेदना हो सकती है, या ना हमें सुखी करने वाला ना दुखी करने वाला हो सकता है, जिसकी तरफ हम एक ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल फीलिंग है, नाइदर प्लेजेंट या नॉन अनप्लेजेंट फीलिंग इसे कहते हैं। तो तीन तरीके की फीलिंग होती है। हम इस पर नहीं जाएंगे कि किस तरीके की वेदना है, किस स्पर्श से उत्पन्न हुआ है, या इसके आगे किस तरीके से इमोशन या भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं। केवल हम ये एक चीज है जो कि कभी भी स्पर्श होता है तो उसका पहला संकेत होता है एक वेदना, किसी भी स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न होती है। तो ये हमारा दूसरा स्कंध है या दूसरा एक आधार है जिससे हमारे पूरे एक मानसिक एक मानव अनुभव का निर्माण होता है। तीसरा जो स्कंध या आधार है वो है संज्ञा या परसेप्शन। इसे ये कह सकते हैं कि हमारा मन हमेशा कॉन्सेप्ट्स में सोचता है, चीजों को नाम देकर सोचता है। जैसे अभी हम एक कॉल पर बैठे हैं, तो एक हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है कॉल का। मेरा लैपटॉप एक मेज पर रखा है, तो लैपटॉप और मेज ये जो दोनों जो है ये कॉन्सेप्ट है जिससे मेरा मन एक चीज को समझ सकता है। लैपटॉप 10 प्रकार के हो सकते हैं, 10 कंपनी के हो सकते हैं, लेकिन एक मेरा एक जो परसेप्शन है वो अलग अलग लेवल पे चलता है। या तो इसको एक लैपटॉप मानेगा या एक कंप्यूटर मानेगा, एक एप्पल का आईमैक मानेगा। तो कोई भी जो चीज है उसे हम पहचानते हैं, उसको एक नाम देते हैं अपने मन में, जिससे हम आगे भी उसको पहचान सकें। ये और जो अन्य व्यक्ति भी होते हैं इनको भी हम नाम देते हैं। तो परसेप्शन हमारी एक वो क्षमता होती है जो कि स्पर्श से उत्पन्न होने वाली वेदना जो है उसके आगे वो जो फीलिंग्स है उनको एक नाम देती है कि ये किस चीज से उत्पन्न हुआ है, ये क्या चीज है जो मैं देख रहा हूँ या सुन रहा हूँ या जिसको सूंघ रहा हूँ। संज्ञा या परसेप्शन हमें एक किसी भी चीज को जिसका हमें अनुभव होता है उसको नाम देने का काम करती है, और ये नाम जो है हमारी एक मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है कि हम जो चीजें समझते हैं वो हमारी मेमोरी में इस नाम से जुड़कर रह जाती हैं। कौन कैसा व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, कौन सी चीज है, क्या वस्तु है। हमने कोई एक पर्टिकुलर कुर्सी हमने कभी जिंदगी में ना देखा हो, लेकिन हम किसी जगह जाते हैं और एक कुर्सी देखते हैं, हम समझ जाते हैं कि कुर्सी, क्योंकि हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है कुर्सी का। और ये जो हमारी परसेप्शन एक जो स्कंध एक आधार है, इस शक्ति के द्वारा हम उस चीज को नाम देते हैं, और इससे हमें चीजों को समझना, उनसे कैसे पेश आना है ये समझना, उनका महत्व समझना, ये सब चीजों में आसानी होती है। चौथा जो स्कंध या आधार है ये है संस्कार। ये एक ऐसा शब्द है जो कि काफी सुनने को मिलता है और इसका अर्थ काफी तरीके से लोगों ने बदला हुआ है इस चीज का।
संस्कार का अर्थ केवल यही है कि हमारे मन में बहुत सारी चीजों की, जैसे जो भी हमारे अनुभव होते हैं, जो चीज हम देखते सुनते हैं सोचते हैं, जो हमारे मन पर विचारों का स्पर्श होता है, जो हमारे अलग अलग अनुभव होते हैं, तजुर्बे होते हैं, ये सब हमारे मन में एक छवि छोड़ जाते हैं। ये हमारे सोचने के तरीके, सही गलत का समझ, शीलता अशीलता का समझ, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो एक ये हमारे यतीत में हुए बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनकी एक छवि है। उनको हमने उस समय कैसे समझा, उनसे कैसे पेश आया, क्या हमने कर्म किए, ये सारी चीजें एक हमारे छवि छोड़ जाती हैं। और यही छवि है जो कि मैं जब आदतों की बात करता हूँ कि भव के समय एक आदतों के हिसाब से हम कार्य या कर्म कर जाते हैं, तो ये सब हमारे संस्कार में जुड़े होते हैं। हमारे संस्कार कहते हैं कि कैसे हम किसी भी स्पर्श या किसी भी प्रसंग या संदर्भ में हम कैसे पेश आते हैं। हमारे एक सोचने का तरीका होता है, सही गलत का की एक समझ होती है, किस समय क्या उचित कार्य होगा या कर्म होगा उसकी अलग समझ होती है। हर एक व्यक्ति का ये अलग होता है। और ये जो स्कंध है इसका निर्माण होता है हमारे यतीत में जो भी हमारे अनुभव में अनुभव हुए हैं, जो चीजें हमने सीखी हैं, इनका हमारे सोचने के तरीके पर क्या छवि रह गई। तो ये इसे एक कंडीशनिंग भी कह सकते हैं कि एक हमारी हिस्टोरिक कंडीशनिंग है। ये कंडीशनिंग हमारी जो हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ कि हमने कैसे किस चीज को पहले देखा है, ये हमारे परसेप्शन को भी अफेक्ट करता है, हमारी संज्ञा को भी अफेक्ट करता है, ये हमारे संस्कार को भी अफेक्ट करता है। संस्कार को कह सकते हैं कि वो भंडार है जो हमारे यतीत में हमारी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें याद भी नहीं रहती है कि ये सही है गलत है। कई लोग कहते हैं जैसे जिस घर में हिंसा होता है होती है उस घर के जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो हिंसा कर जाते हैं, इसको भी हम संस्कार कहते हैं। कोई कहते हैं जैसे बचपन में जिसके घर में बहुत शीलता वाले काम कार्य करते हों, शीलता के ऊपर बहुत एम्फोसिस हो जिस घर में, तो बच्चे वो शीलता के हिसाब से ही काम करते हैं। ये हमारा एक जो साधारण नोशन होता है संस्कार का, कि संस्कार एक चीज है जो दे दी, जो सिखा दिया। लेकिन संस्कार का अर्थ वो है कि वो सारे जो अनुभव है उनकी जो छवि हमारी मानसिकता पर जो पड़ गई है और जिसके हिसाब से अनुसार हम अलग अलग प्रसंगों में पेश आते हैं, कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वो सारी चीजों का जो एक भंडार है उसको एक जो हमारा चौथा स्कंध है, चौथा आधार है हमारे मानसिक अनुभव का, उसे संस्कार कहते हैं। पांचवा जो है स्कंध वो है विज्ञान, विज्ञान या कॉन्शियसनेस। ये इसको एक तरीके से कह सकते हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी इंटेलिजेंस है। विज्ञान आपके जैसे आप अलग अलग ध्वनियां सुन रहे हैं तो इसमें वो अंतर करने की क्षमता रखता है, सारी चीजें एक बराबर नहीं सुनाई देती हैं, ये अंतर करने का हमारे अंदर क्षमता होती है। इसी से हम आगे उसका नामकरण कर पाते हैं, अपने मन में जो कॉन्सेप्ट है हमारी संज्ञा है उसको यूज कर पाते हैं। तो विज्ञान एक क्षमता है हमारी डिस्क्रिमिनेट करने की या अंतर करने की हमारे वातावरण में जो चीजें हो रही है। इसीलिए जो हमारे अलग अलग हम स्पर्श की भी जब बात करते हैं तो एक सुनने का विज्ञान है, एक सोचने का विज्ञान है जो मानसिक स्पर्शों पर के में जुड़ता है, एक हमारे सूंघने का है, सुनने का है, देखने का है, स्वाद लेने का है, और हमारे शरीर में स्पर्श जो हो रहा है, जो हमारे हमें कुछ छूने का है हमारे बदन के अंदर, जैसे कई बार दर्द का एहसास होता है या कुछ होता है, तो ये सब अंतर करने का की क्षमता होती है जिसे विज्ञान कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो हमारे जो छह सेंस बेसिस हैं, जो हमारे अंग हैं जिससे हम दुनिया से हमारा इंट्रैक्शन होता है, दुनिया से दुनिया में क्या हो रहा है ये समझने की जो क्षमता, इससे ही शुरुआत होती है कि हमें कहाँ से सिग्नल्स मिल रहे हैं दुनिया के बारे में। तो ये जो सिग्नल्स आ रहे हैं इनको अंतर कर पाना, जैसे जिसकी आंखों की रोशनी नहीं है तो वो बाहर जो
जो हमें दिखने वाला रूप है, जो विजुअल एक फॉर्म है दुनिया का, उसमें अंतर नहीं कर पाता, तो उसमें वो विज्ञान नहीं है, वो क्षमता नहीं है। जो कलर ब्लाइंड है जैसे, तो वो हरे और लाल में जैसे अंतर नहीं कर पाते जिनको, तो उनमें वो रंग की या देखने की जो का विज्ञान है, उसमें वो रंग का विज्ञान उसमें मौजूद नहीं है। विज्ञान वो चीज है जो कि अलग अलग चीजों में अंतर कर पाता है, हम पहचान पाते हैं कि कौन सी चीज किस चीज से अलग है, कौन सा व्यक्ति किस चीज किस व्यक्ति से अलग है। तो उसके लिए हमारी बहुत सारी चीजें आती है, किसी की आवाज सुन के हम पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति है, किसी कोई आवाज सुन के हम समझ सकते हैं कि किस तरीके के जानवर ने आवाज निकाली है। तो वो जो अंतर करने की क्षमता है, जिसके ऊपर हमारी आगे फीलिंग जनरेट होती है, वेदना जनरेट होती है, और वेदना के आगे हम उसका नामकरण करते हैं परसेप्शन या संज्ञा द्वारा, और उसके आगे जो हमारी प्रतिक्रिया होती है या प्रक्रिया होती है, ये सारी चीजें हमारे संस्कारों से जुड़े होते हैं कि हम किसी स्पर्श पे या किसी होने वाली हमारे जीवन में होने वाली घटना पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये सब चीजें साथ जब आते हैं तो मानव अनुभव का एक पल इससे उत्पन्न होता है। कैसे होता है? एक जैसे हम देखेंगे तो रूप जो है एक बाहरी रूप है, एक हमारे कान नाक जो अंग है वो भी एक रूप है। ये दो दो रूप की जरूरत है, कोई ध्वनि आ रही है, हमारा एक कान है और हमारा एक विज्ञान है, जो विज्ञान है जो अंतर कर पाता है कि ये ध्वनि बाकी ध्वनियों से अलग है ना। तो ये तीनों चीजें जब साथ में आती हैं, एक साथ होती हैं, तो स्पर्श होता है। जिसके पास कोई एक विज्ञान नहीं मौजूद है, अर्थात जैसे देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं है, तो वो चीज वो स्पर्श उनके जीवन में नहीं होता। अब ये जब स्पर्श होता है, उस स्पर्श से पहले एक वेदना उत्पन्न होती है, उस वेदना से आगे जाके हम उसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, और आगे तृष्णा और उपादान के बलबूते हम उसके कहानियां बनाने लगते हैं। ये जो कहानियां बनाते हैं और जो हम उसके ऊपर आदति एक प्रतिक्रिया करते हैं, इनका मूल जो है हमारे संस्कारों में। तो ये जो चार ये पांच चीजें जो है, एक रूप जो है एक मटेरियल वर्ल्ड का हिस्सा है, बाकी जो वेदना है, संज्ञा है, संस्कार और विज्ञान, ये सारी चीजें जब साथ में आती हैं और इनके साथ हम तृष्णा और उपादान के बलबूते हम जुड़े रहते हैं कि ये सारी चीजें मैं हूं, इन्हें निजी मान लेते हैं, तो वहीं से हमारे मानव अनुभव एक तरीके से निजी बन जाते हैं। एक हमारे मन में एक आत्मान या एक सेल्फ का इल्यूजन बनता है, और हमारे जितना हम इस सेल्फ से जुड़ते रहते हैं, हमारे व्यक्तित्व भी उससे उतना, हमारी जो पर्सनैलिटी है उससे निर्माण होती रहती है। ये पांच स्कंध हैं, और इन पांच स्कंधों पर जैसे हम निजी होकर तृष्णा और उपादान के बलबूते हम किसी भी होने वाले स्पर्श को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, उसके भावुक और उत्तेजित होते रहते हैं, तो उसका अंत हमारे एक दुख में होता है। ये दुख क्यों होता है? क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो अगर नहीं मिल रही है तब हम दुखी हो जाते हैं। ये चाहना नहीं चाहना ये हमारे संस्कारों से जुड़ा होता है। ये हम एक जो पर्सनालिटी है, एक व्यक्तित्व है, ये जब इन पांचों चीजों के मिलन में इसका जब बलबूता एक तृष्णा होता है, एक उपादान होता है, क्रेविंग और क्लिंगिंग होता है, एक सेल्फ बिलीफ होता है, तब ये चाहना आता है। और कोई जो चीज़ हम चाहते हैं वो नहीं मिलती है तब हम परेशान होते हैं, कोई चाहते हैं वो चीज़ मिल जाती है तो हम चाहते हैं कि ये दोबारा मिले, या उसे खोने का हमें डर होता है, हम चाहते हैं कि हमेशा ये हमारे पास रहे। कोई जो चाहते हैं कोई जो नहीं चाहते हैं चीज़ वो हमारे साथ हो जाए तब हम परेशान होते हैं, वो चीज़ ना हो तो हम डरे हुए रहते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ ना हो। तो ये जो चीजें हैं इसमें सारा जो मूल जो चीज है जो दुख की ओर हमें बढ़ा देता है वो है कि इन पांचों चीजों को हम एक अलग अलग स्कंध जो है, जो कि एक प्रकृति का हिस्सा है, ये सारे स्कंध हैं, ऐसा ना समझकर हम इन्हें निजी मानने लगते हैं, और इनके जो एक स्पर्श होती है उसके आगे जो मन की प्रक्रिया होती है उसमें जो तृष्णा है,
जो उपादान है उसको हम ढीला नहीं करते हैं तो आगे चलकर ये दुख में परिवर्तित हो जाता है। राजू जी, मेरे को एक प्रश्न है, इंग्लिश में पूछता हूँ। व्हाट आई फाइंड इज, आई फाइंड इन माय प्रैक्टिस देर इज हैबिचुअल टेंडेंसी दैट देर इज ऑलवेज ए देर इज मेनी टाइम्स आई फाइंड देर इज ए इम्बैलेंस ऑफ हाई एनर्जी लो इकोनॉमिटी। Means I always try to balance this, but can you give me some suggestion regarding this? So, आप ये कह रहे हैं कि आपके आपका मन जो है, जैसे हमने आज शुरुआती चर्चा करी थी, तो आपका मन बेचैनी की ओर ज्यादा चले जाता है, ज्यादा इसमें उत्साह इतना है लेकिन उत्साह के वजह से बेचैनी हो जाती है। तो इसमें जैसे हमने बात करी तो तीन हमारे पास ऑप्शंस हैं, तीन हमारे बोध्यांग हैं, समाधि, पसद्धि और समता, यानी इक्वानिमिटी, है ना। तो ये तीन आप कैसे एक बार यूज करें, एक बार बताएंगे आप कैसे, आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मैं जैसे ही कुछ एनर्जी ज्यादा है मैं रिलैक्स करना ट्राई करता हूँ। एक तो आप अपने मन में जहाँ भी तृष्णा उत्पन्न हो रही है उसको आप शांत कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, जो भी टाइटनेस है उसको आप रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। वो ज़्यादा वो रिलैक्स करने पे ही फोकस करता हूँ मैं, इकोनॉमिटी थोड़े लाता हूँ उसके साथ साथ भी रिलैक्स करता हूँ। इकोनॉमिटी लाने का या समता लाने का अर्थ ये है कि जो मन में प्रक्रिया हो रही है, कोई भी स्पर्श होता है, इस पे आपने ना इस पे लोभी होना है कि आप इसके पीछे जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, आई एम क्यूरियस, अब बहुत देर से कुछ नहीं हुआ मेरे मन में, अब कुछ हुआ है, अब देखते कि क्या हो रहा है, या हम परेशान हो जाते हैं क्यों हो रहा है ये। समता जो है ये लाने में इससे भी दिक्कत होती है कि हम एक बहुत एंटिसिपेशन में है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, तो उससे भी समता हमारी बिगड़ जाती है। तो ये थोड़ा एंटिसिपेशन आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन आपको उत्साह फिर भी बना के रखना पड़ेगा। उत्साह ये है कि आप अपने मन के एनर्जी से कुछ करने आप बदल नहीं पाओगे, जो कि आपको एक वो मन के संतुलन की ओर लेके जाएगा। अगर आप मन की शक्ति से कुछ करने की कोशिश करोगे तो बेचैनी की ओर आपको ले जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये है। तीसरा जो हमारा, तो हमने बात करी पसादी की, रिलैक्स आप कर रहे हैं, इक्वानिमिटी में आपने ये रखना है कि कुछ भी हो नहीं हो आपने उससे ना आकर्षित होना है ना उससे परेशान होना है। तो कुछ नहीं भी हो रहा है जैसे, तो जो रेस्टलेसनेस है कि अभी कुछ हो जाना चाहिए, जो एंटिसिपेशन है वो नहीं रही, आप जो कुछ हो नहीं हो आप अपनी समता या संतुलन बना के रखेंगे। तीसरी चीज है जो आपकी समाधि, समाधि या यूनिफिकेशन ऑफ माइंड है इसको। ऑफ कोर्स आपका मन भटक जाता है तो छह कदमों का यूज करके आप जैसे तृष्णा कम करेंगे तो समाधि में खुद मन चला जाता है। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं कि हम अपने मन को एक अंतर लाते हैं, जैसे मैंने बात करी ना, विज्ञान जो है एक डिस्क्रिमिनेटरी ज्ञान है, एक चीजों में अंतर करने का एक तरीका है। तो जैसे हम अपना अपने बारे में भी सोचते हैं, आत्मा जो हमारा आत्मन का एक कॉन्सेप्शन होता है, सेल्फ का कॉन्सेप्शन होता है, तो हम अपने मन में ये अंतर करते हैं कि ये मैं हूँ और ये मेरे अलावा जो है बाकी दुनिया है, और ये हमारी आदत बनी होती है ना। तो इस आदत, ये जो विज्ञान का जो एक डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है ये आपके ध्यान में भी आ रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि आप मैं हूं और ये मेरा ध्यान है और मैं चाहता हूँ कुछ हो। हाँ, ये हो रहा है, केवल ध्यान है और आपका एक फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस है, केवल ये दो चीजें। इसमें आप अलग से अपने आप को ऑब्जर्वर की तरह नहीं सोच रहे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो लेकिन आप अलग से सावन कुमार ऑब्जर्वर नहीं हो,
तो वो जो अंतर करेंगे तो हमारा यूनिफिकेशन ऑफ माइंड उससे खराब हो जाता है। यूनिफिकेशन में कोई एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइड नहीं होता, एक कॉन्शियसनेस है और एक अटेंशन, बस ये दो ही चीजें। तो मैं सावन कुमार कुछ करने वाला हूँ ऐसे नहीं, ऐसे जितना सोचेंगे तो उसमें आपकी बेचैनी और बढ़ती जाएगी। थैंक यू राजीव जी, आई थिंक वो डिस्टिंक्शन ही ये बेचैनी को पैदा कर रहा है ऐसा लग रहा है मेरे। थैंक यू, धन्यवाद। समय हो गया, कोई एक और सवाल है तो पूछ सकते हैं। आज थोड़ा काफी टाइम ने बिताया स्कंदों पर। ठीक है, मैं समझूंगा अभी फिलहाल आज का सत्र समाप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा प्रार्थना में लीड करिए हमें। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन, चीर काल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध।